अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाको हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाको हिंद की फिल्मी दुनिया से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं माजी के पुराने छुपे हुए अदाकारों के बारे में बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बात करूंगा। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उनका नाम है पुतली बाई। आपने फिल्मी कैरियर का आगाज साइलेंट मूवी से किया और उसके बाद आपने टॉकीज में भी काम किया। आपकी पहली फिल्म थी सिनेमा नी रानी या सिनेमा की रानी। आप बहुत छोटी थी जब आप फिल्मी दुनिया में आई। 1925 में आपने एक और फिल्म में काम किया, फिल्म का नाम था ब्रीफ फ्लैश बैरिस्टर। 1936 में आपकी फिल्म बाज बहादुर रिलीज हुई, भारत का जवान रिलीज हुई। 1937 में आपकी फिल्म विजय डंका रिलीज हुई। 1938 में आपकी फिल्म वसंती रिलीज हुई, बागबान फिल्म रिलीज हुई और विजय मर्ग रिलीज हुई। इसके अलावा पूर्णिमा और उसकी तमन्ना, ये फिल्में भी 1938 में रिलीज हुई। 1939 में आपकी फिल्म ब्लैदर फेस रिलीज हुई और साधना भी 1939 में रिलीज हुई। भोले भाले, सिविल मैरिज, ये फिल्में 1939 में रिलीज हुई। 1940 में आपकी फिल्म भरोसा रिलीज हुई, मेरे साजन रिलीज हुई। 1941 में आपकी फिल्म शोभा रिलीज हुई। 1942 में आपकी फिल्म बारात रिलीज हुई। 1942 में ही आपकी फिल्म उल्टी गंगा रिलीज हुई, इनकार फिल्म रिलीज हुई। 1943 में आपकी फिल्म धोखेबाज रिलीज हुई। 1946 में आपकी फिल्म डोली रिलीज हुई। 1947 में आपने फिल्म टूटे तारे में काम किया। 1948 में आपने फिल्म बिल्ली में काम किया। 1949 में आपने फिल्म अनाया में काम किया और इसके बाद आप कुछ अरसे के लिए फिल्मी दुनिया से गायब हो गई या आपको फिल्मों में चांस नहीं मिला। आपकी आखिरी फिल्म थी बात एक रात की, जो कि 1962 में रिलीज हुई। यह था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा के बारे में जिनका नाम पुतली बाई है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूं, लेकिन आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इस तरह के अदाकारों और अदाकाराओं के बारे में बात करूंगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहूंगा। पुतली बाई के बारे में एक बात बताता चलूं कि आप बहुत अच्छी अदाकारा थी और आपने ज़्यादातर लीड रोल प्ले किए। और एक दफ़ा फिर कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।